सीरीज ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के फिफ्थ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस एंड इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताऊंगा, साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर फोर वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेस को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के बारे में अच्छी तरीके से नहीं पता है तो पहले वाले मेरे वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर आपको पहले से पता है तो इसको कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 रिस्पेक्टिवली। दो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और उस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर ये है और ये जो वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं ये वेक्टर A है और ये वेक्टर जो है वो B है और दोनों का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। इसका डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 और फिर N1 है और इसका भी डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, L2 है, M2 है और N2 है। इस दोनों के बीच का एंगल को अगर हम लोग थीटा मान लें तो यही थीटा निकालना है, यानी कि दो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है। अब ये दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को कैसे निकालेंगे इस डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में, तो वही हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 रिस्पेक्टिवली। सपोज कर लेते हैं कि ए और बी दो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और दूसरे का L2 M2 N2 है। तो आपको पता होगा कि अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं इसी डायरेक्शन में, ए कैप से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर ले रहे हैं ए कैप, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है इस वेक्टर का, तो इसको लिख सकते हैं L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप। ये मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लेते हैं बी कैप से जिसको डिनोट करते हैं, तो इस बी कैप जो वेक्टर होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, बी कैप को लिख सकते हैं इसका जो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। तो ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का वैल्यू। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि देन ए कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए और इसको L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप लिख सकते हैं, एंड वेक्टर बी यूनिट वेक्टर बी, बी कैप जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी है, इट इज इक्वल टू L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। अब मान लेते हैं कि थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है तो यूनिट वेक्टर के भी बीच के एंगल थीटा ही होगा। तो थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी, यानी ए कैप और बी कैप के भी बीच का एंगल थीटा ही होगा। तो अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आप पढ़े होंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पर ए और बी जो यूनिट वेक्टर है उसके बीच का एंगल है ये थीटा, तो ए कैप डॉट बी कैप और यहाँ पर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कैप ये लिखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कॉस थीटा तो रहने देते हैं और ए कैप का वैल्यू क्या है, ए कैप का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ए कैप का वैल्यू है L1 I प्लस M1 J प्लस N1 K और
डॉट बी, बी कैप का वैल्यू क्या है, बी कैप का भी वैल्यू हम लोग लिखे हुए हैं, तो एल टू आई कैप प्लस एम टू जे कैप प्लस एन टू के कैप और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर, ये तो यूनिट वेक्टर है इसका मॉडुलस 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है इसका भी मॉडुलस 1 होगा, तो यहाँ पर हम लोग का निकल गया कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपको पता होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये दो वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसके कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट कर देते हैं, एल वन इंटू एल टू प्लस एम वन इंटू एम टू और प्लस एन वन इंटू एन टू, तो ये जो है वो निकल गया कॉस थीटा, नीचे तो वन है तो ये कॉस थीटा निकल गया, और जब कॉस थीटा निकल जाएगा तो वहाँ से हम लोग थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, कॉस को अगर उधर ले जाते हैं तो थीटा निकल जाएगा कॉस इन्वर्स करके। तो दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल वन एम वन एन वन है और एल टू एम टू एन टू, उसके बीच का अगर एंगल निकालना हो थीटा, तो कॉस थीटा निकालने का यही फॉर्मूला हो गया एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। इस तरीके से हम लोग अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो एंगल निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि दो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अगर पता है तो कब वो पैरेलल होगा या कब वो परपेंडिकुलर होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा इसके बारे में, कि इफ़ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मान लीजिए ये जो वेक्टर है ए और बी दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो वैसे केस में क्या कंडीशन होगा ये हम लोग निकालते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा। आपको पता होगा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर रहे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब यहाँ पर हम लोग ए और बी का वैल्यू लिख जाते हैं, तो देखिए ए और बी डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि वो भी तो परपेंडिकुलर होगा। इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है बी कैप, वो भी तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो भी जीरो हो जाएगा वैसे केस में। और ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, ए कैप का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं अभी, एल वन आई कैप प्लस एम वन जे कैप प्लस एन वन के कैप था, और डॉट बी का भी वैल्यू निकाले हुए हैं। देखिए यूनिट वेक्टर ए का वैल्यू और यूनिट वेक्टर बी का वैल्यू हम लोग को पता है, तो बी का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये एल टू आई कैप प्लस एम टू जे कैप प्लस एन टू के कैप और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे है, दोनों का जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो ये जो है एक कंडीशन निकल गया कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो करिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जीरो होगा, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू जीरो होगा। अब हम लोग एक दूसरा कंडीशन देखते हैं, ये तो हुआ परपेंडिकुलर का, अब पैरेलल का देखते हैं, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, दो वेक्टर पैरेलल कब होगा उसके बारे में। तो देखिए अगर ये जो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है अगर दोनों पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर को हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए के डायरेक्शन में, और बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो अगर ए और बी वेक्टर पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर ए इज ऑल्सो पैरेलल टू यूनिट वेक्टर बी। तो यूनिट वेक्टर ए और बी पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर में अगर हम लोग एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो दूसरे वेक्टर के इक्वल होता है। तो अब जरा देखिए वेक्टर ए को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए थे एल वन आई कैप प्लस एम वन जे कैप प्लस एन वन के कैप, ये भी हम लोग लिखे हुए हैं, और इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी इक्वल टू है एल टू आई कैप प्लस एम टू जे कैप प्लस एन टू के कैप। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट है एल वन और यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट है लेमडा एल टू, यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट है एम वन और यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट है लेमडा एम टू,
तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर दो फैक्टर इक्वल है तो इधर जो आई का कोएफिशिएंट होगा और इधर जो आई का कोएफिशिएंट होगा इक्वल होगा, यहाँ पर जो जे का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर जे का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल होगा, और यहाँ पर के का जो कोएफिशिएंट है एन वन और यहाँ पर जो के का कोएफिशिएंट है लेमडा से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे लेमडा इंटू इंटू, ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इधर ले आइएगा तो एल वन डिवाइडेड बाई एल टू इट इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम दिस m1 वन डिवाइडेड बाई एम टू इट इज इक्वल टू लेमडा, एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट n1 वन डिवाइडेड बाई एन टू इक्वल टू ऑल्सो लेमडा। तो देखिए ये भी रेशियो लेमडा, ये भी रेशियो लेमडा, ये भी रेशियो लेमडा, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि l1 वन बाई एल टू इक्वल टू m1 वन बाई एम टू इक्वल टू n1 वन बाई एन टू। तो ये कंडीशन हो गया, किसका कंडीशन हो गया कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो इक्वल होगा, एल वन बाय एल टू इक्वल टू एम वन बाय एम टू इक्वल टू एन वन बाय एन टू हो गया। तो ये हो गया दो वेक्टर का कब वो पैरेलल होगा और कब वो परपेंडिकुलर हो गया। ये क्वेश्चन बनाने में हम लोग काफ़ी यूज करते हैं, तो ये फार्मूला जो है वो भी याद रखिएगा। और उसके बाद फिर देखते हैं कि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तब एंगल निकालने का तरीका तो हम लोग देखें, अब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो कैसे एंगल निकाल सकते हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू रिस्पेक्टिवली। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल हम लोग कैसे पता करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, इसके पहले डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ था, तो डायरेक्शन रेशियो जो है वो ए वन बी वन सी वन है, और एक दूसरा वेक्टर हम लोग लेते हैं बी, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो है वो ए टू बी टू और सी टू है। तो ये दो वेक्टर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो इसके बीच का एंगल अगर थीटा निकालना है तो ये थीटा कैसे निकालेंगे। तो लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स विथ डायरेक्शन रेशियोज ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू रिस्पेक्टिवली, हम लोग सपोज कर लिए। अब देखिए तो देन वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं। आपको पता होगा पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ कि अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पता है तो वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। तो ये क्या हो गया, ये जो आई जे और के का जो कोएफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो ही बताता है इस वेक्टर का, और फिर सेकेंड वेक्टर बी जो है उसका भी डायरेक्शन रेशियो पता है, तो वेक्टर बी को भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ पर ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। तब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल को थीटा हम लोग सपोज कर लेते हैं, लिखते हैं कि लेट थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो देखिए दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम लोग थीटा माने हैं तो कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो हम लोग पहले ए का वैल्यू पुट कर देते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और फिर डॉट ये बी का भी वैल्यू पुट करते हैं, बी का वैल्यू है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप और डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके रूट अंडर कर देते हैं, कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, उसका सम करके रूट अंडर यानी कि मॉड ऑफ बी, या फिर बी का मॉडुलस लिखते हैं तो मॉड ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकाल लिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू अब क्या होगा, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए उसके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करके सम कर देंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ये जो नीचे है वो रहने दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस थीटा का
निकालने का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर के बीच का, और वो किस टर्म में निकाल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो के टर्म में निकाल रहे हैं। तो अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता है, तो उसके बीच का एंगल हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग कंडीशन देखते हैं कि ये दोनों वेक्टर कब पैरेलल होगा और कब परपेंडिकुलर होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पहले कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। मान लेते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो मानते हैं इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, तो वैसे केस में आपको पता होगा कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। और डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, बी वन जे प्लस सी वन के, और दूसरा वेक्टर है बी, बी क्या है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, और ये जीरो के बराबर। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में लिखा हुआ है, वेक्टर ए यही है, वेक्टर बी ये है। तो दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। और दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए उसके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करके उसका सम कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा और इक्वल टू जीरो। यानी कि दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन रेशियो पता है a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होगा, करिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जीरो के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अब सेकेंड देखते हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हो, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तब उस समय क्या कंडीशन होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, ए और बी पैरेलल है, तो देन आप जानते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए इक्वल टू लिमडा बी, जहां पर लिमडा क्या होगा, सम स्केलर होगा, कोई कांस्टेंट होगा या स्केलर होगा। तो एक वेक्टर में अगर हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाता है। अगर ऐसा हो गया तो दोनों वेक्टर पैरेलल होता है। अब देखिए, इम्प्लाइज वेक्टर ए का वैल्यू हम लोग को पता है, वेक्टर ए का वैल्यू जैसे यहाँ पर लिखे थे ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और यहाँ पर लेमडा रहने देते हैं वेक्टर बी का वैल्यू। वेक्टर बी का वैल्यू है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। अब देखिए, दोनों वेक्टर इक्वल है तो उसका कोएफिशिएंट भी इक्वल होगा आई जे के का। तो आई कैप का कोएफिशिएंट है यहाँ पर ए वन, और यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट है लेमडा इंटू ए टू। यहाँ पर जे कैप का कोएफिशिएंट है बी वन, और यहाँ पर जे कैप का कोएफिशिएंट है लेमडा से मल्टीप्लाई होगा लेमडा इंटू बी टू। यहाँ पर के कैप का कोएफिशिएंट है सी वन, और यहाँ पर के कैप का कोएफिशिएंट है लेमडा इंटू सी टू। तो देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए वन डिवाइडेड बाई ए टू, ये इधर डिवाइड कर देते हैं तो ये भी लेमडा आ जाएगा, ये इधर डिवाइड कर देंगे तो बी वन बाई बी टू इक्वल टू भी लेमडा आएगा, और यहाँ पर ये डिवाइड कर देंगे सी वन बाई सी टू इक्वल टू भी लेमडा आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों जो रेशियो है, तीनों रेशियो लेमडा के इक्वल है, यानी ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये तीनों जो रेशियो है वो इक्वल आ गया। तो ये कंडीशन हो गया, किसका कंडीशन हो गया, दो वेक्टर पैरेलल अगर है तो उसके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो आएगा वो इक्वल होगा। यानी इसका डायरेक्शन रेशियो है ए वन बी वन सी वन, और इसका डायरेक्शन रेशियो है ए टू बी टू सी टू। तो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू, ये रेशियो इक्वल होगा। यानी ये आप कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया। तो प्रोपोर्शनल हो गया, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो वो दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। यानी आप का ये भी कह सकते हैं, अगर पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर सेम कर देंगे तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, इसका जो रेशियो आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो, उसका जब रेशियो निकालेंगे अगर दोनों सेम होगा तो डायरेक्शन रेशियो भी सेम आ जाएगा, और सेम आ गया मतलब वो पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर दो वेक्टर पैरेलल रहे तो दोनों का सेम डायरेक्शन रेशियो ले सकते हैं, या फिर डायरेक्शन कोसाइन भी सेम ले सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गया पैरेलल और परपेंडिकुलर का। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हिच डायरेक्शन कोसाइन्स आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। डायरेक्शन कोसाइन दो वेक्टर का है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो उसके बीच का एंगल निकालना है। दो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। ये डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। आप देखिए, इसका स्क्वायर करके सम कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन कोसाइन जिस नंबर के प्रोपोर्शनल होता है उसको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यानी कि ये जो है वो दोनों डायरेक्शन रेशियो है दो वेक्टर का। अब उसके बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे बनाएंगे? अभी हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसी फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट ए वन इक्वल टू मान लेते हैं 2, बी वन इक्वल टू मान लेते हैं 3, और सी वन इक्वल टू मान लेते हैं -6। एक वेक्टर का ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो को a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -4, और c2 इक्वल टू 5 हम लोग ले लेते हैं। और लेट a एंड b गिवन वेक्टर्स, ये दो वेक्टर मान लीजिए दिया हुआ है, बी गिवन वेक्टर्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 रिस्पेक्टिवली। हम लोग इसके डायरेक्शन रेशियो के a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मान लिए। लेट थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन, हम लोग मान लेते हैं एंगल बिटवीन a और b जो वेक्टर दिया हुआ है उसके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। तो कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं। अब वैल्यू बैठा दीजिए, a1 का वैल्यू पुट करते हैं 2, a2 का वैल्यू 3 प्लस b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू है -4, और फिर c1 का वैल्यू है -6, c2 का वैल्यू है 5, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 b1 और c1 का स्क्वायर का सम, तो 2² + 3² + -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसके स्क्वायर का सम, तो 3² + -4 का होल स्क्वायर प्लस 5². इसको आप कैलकुलेशन करके देखिए कितना आ रहा है, 6 - 12 - 30, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर हम लोग सम करते हैं तो ये आप देखिए ये आ जाएगा 49, और वो आ रहा है 50। तो यहाँ पर देखिए 6 में 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं -6, मतलब -36 हो जाएगा, और यहाँ आ रहा है 7, और इसको आप लिख सकते हैं 5 × √2। तो ये आ रहा है -36 / 35 × √2। अब इसको क्या कीजिए, -36 / 35 × √2 है, √2 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ रहा है -36 × √2, और नीचे √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 35, तो ये 2 से ये कट जाएगा, 18 हो जाएगा, तो -18 √2 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 2 है, और डिवाइडेड बाय 35 हो गया। अब ये कॉस थीटा का वैल्यू निकला है, तो कॉस को आप उधर ले जाइए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -18 √2 डिवाइडेड बाय 35। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकल गया। तो इस तरीके से अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो या डायरेक्शन कोसाइन भी दिया हुआ हो, तो उसका भी मैं फॉर्मूला बताया हूँ, तो उससे हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस यहीं तक। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, इस एक्सरसाइज में और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।